इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी ने कितनी बात अच्छी कही, रावर दोषन पायन। प्रभु आपका दोष नहीं है, लेकिन पांव में जो लगी रज है, धूर है, उसमें प्रभाव बहुत है, क्योंकि पाहन को स्पर्श किया तो नारी बना दिया। अब बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। ए, मेरी नाव काठ की है और जले में रहती है, तो पत्थर को जब आपके चरण की रज ने स्त्री बना दिया तो इसको बनाने में कौ सेकंड लगेगा? अरे राम, सरकार केवट जी की उक्ति सुनकर हो, उक्ति माता जी की ओर देखे, देखिए ना कैसा अद्भुत है ये काय। अरे भैया, हमको कई लोग मिल जाते हैं, हमसे अधिक हमारे द्वारा गाई राम कथा उनको कंठस्थ हो जाती है, मिलता है ना अद्भुत। एक तो मुझे मिला और तुम्हारा पद सुनाने लगा, ओ कौन गाय हो? पहुना मिथिले में रहुना। हाँ, ये पहुना मिथिले में रहुना। हमने कहा अच्छा ठीक है, आपको सब याद है पता नहीं, पूरा सुन लीजिए। हमने कहा सुना दीजिए भाई। हाँ, कितना आनंदित हो जाते हैं लोग सुनकर। ओ भगवान, देखिए ये विनोद है, मेरे सरकार माँ से विनोद करते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए अभी तो यात्रा प्रारंभ है, ये मिल गए, इनको कितना मेरे बारे में पता है। अभी जो 14 साल रहना है, ए आप भी निकलते रहा करिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत कहां है? काम से, काम से। आगे हमारे परम सद्गुरुदेव भगवान अयोध्या जी से पधारे हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी। मैंने बहुत प्रार्थना किया, सरकार कृपा करें, सरकार कृपा किए, हम सबका सौभाग्य है कि इस रजतोत्सव में सरकार के चरण पधारे और सरकार का आशीर्वाद हम लोग कल प्राप्त करेंगे, इतना सौभाग्य प्राप्त है। तो पुरुषोत्तम मास में एक पुण्य करेंगे आप तो उसका करोड़ गुना फल अधिक प्राप्त होता है, करोड़ गुना। इसलिए 15 या 16 मई से प्रारंभ होकर 13 जून तक रहेगा, एक भी दिन कम से कम 11 माला भगवान के नाम का अवश्य जपिए। जो भी बन सके अपने हाथ से अन्न दान करिए, जल दान करिए, वस्त्र दान करिए। एक माह तक बिना सदकर्म किए एक भी दिन नहीं बीतना चाहिए, खूब सदकर्म करिए, संयम पूर्वक रहिए। क्यों? इस मास का नाम मल मास है। ये किसने रखा? अ तो 12 महीनों ने मिलकर इनको मलमास नाम दे दिया। ये रोते रोते भगवान की शरण में पधारे, भगवान द्वारिकाधीश की शरण में गए तो भगवान ने पूछा, भैया सब लोग प्रसन्न हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, प्रभु ये 12 मास कह रहे हैं, हमारे स्थान निश्चित हैं, आपका तो नाम ही नहीं, इसलिए तुम अधिक हो गए, तुम्हारा नाम मल मास हो गया। नाम क्या होगा? भगवान बोले, आप हमारी शरण में आ गए हैं, अस्तु अब आपका नाम मेरा हो गया, मेरा ही नाम आपका होगा। तब से इस नाम का मास का नाम क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। और भगवान ने कहा कि लाला, आपके मास में जो भी सदकर्म होगा, जिसके कर से मन से, उसका अक्षय पुण्य उसको प्राप्त होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, पुरुषोत्तम मास में एक मास
सब काम करते हुए सत्कर्म दान पुण्य तीर्थ व्रत जप जितना कर सके उतना करिएगा, जिससे आपका यह पुण्य भगवान के श्री चरण में अक्षुण होता जाए। इसी से न सत्कर्म बढ़ेगा, इसी से न भगवत प्रेम दृढ़ होगा। प्रभु ने कह दिया यह मास हमारे आपके सौभाग्य से शीघ्र आने वाला है, 3-4 महीने में उपस्थित होगा। भगवान मां से स्मित विनोद करते हैं कि देखिए कैसे भाव रखते हैं। अब केवट जी ने जो कहा भगवान ने सुना तो, परंतु भगवान को केवट की तोतली बातें बड़ी मधुर लग रही हैं, तो भगवान उनसे और सुनना चाहते हैं। और कोई विकल्प है क्या? केवट जी बोले हाँ, नाव में जाना हो सरकार तो ये उपाय है, नाव से नहीं जाना हो तो ये उपाय है। क्या? यही घाट से तोरी कदूरिया है, कटिलो जल थाली खायो, पर से पग दूरी कहे तरनी, घर में कर क्या समझाए हो। तुलसी अवलंबन और कछो, तुलसी अवलंबन और कछो, लरिका के ही भाती जी आए हो, जो लरिका के ही भाती जी आए हो, करो मारे प्रभु। कृपा करके यदि आप नाव पर न चढ़ के जाना चाहें तो पैदल पैदल का भी मार्ग है। सावधान, गंगा जी राम भक्ति हैं, और गंगा जी राम पदा भी हैं, राम पगा भी हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं इसको आवरण लेकर कह रहा हूं। ये मर्यादा है कि नदियों में साधन उपस्थित हो तो साधन से ही पार जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर यदि पुल हो तो रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, और नहीं मरने हैं तो बात अलग है। मुक्त होना हो तो चाहे जो करो, यदि पुल है ऊपर वाला नीचे वाला तो इसीलिए बनाया गया है, हर व्यक्ति का वस्तु का उपयोग होना चाहिए, है नहीं? हर व्यक्ति का। कई लोगों को बुरा लग जाएगा, जो लोग घर में डॉन की तरह रहते होंगे उनको बुरा लगेगा। क्या? फ्रिज में बोतल रखी जाती है। बोलिए क्या रखा जाता है? जोर से बोलो। फ्रिज में पानी की बोतल, वो वाली नहीं, पानी वाली रखी जाती है, ठीक है। और रसोड़ा में, रसोई गृह में गिलास रखी जाती है। यदि प्यास लगे तो पहले गिलास निकालनी चाहिए और बोतल फ्रिज से पानी का निकालकर गिलास में ढालकर भगवान को भोग लगाकर बैठकर मनुष्य की तरह आदर से पानी पीना। लेकिन जो घर में डॉन होते हैं, फ्रिज खोले गड़ 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 गड़। अब ये जो आचरण है हमारा, ये श्रेष्ठाचरण है क्या? इसलिए माफ करना, मैं तो कथा में भी चलता हूं ना, तो घर से पानी का बोतल लेके चलता हूं, कहीं कोई पिया ना हो गड़ 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 गड़। प्लास्टिक में मुख लगाया, जूठा हो गया। आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी कथा है? यह असली राम कथा है। कैसे जिए राम कथा घर घर में, मेरी अलग पुस्तक आने वाली है। अब तक क्या थी? आओ गाए राम कथा घर घर में, और अब कैसे जिए राम कथा घर घर में, यहीं से प्रारंभ होगी। नहीं किया करें ये सब, नहीं किया।
यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके तो कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। एक एक पद एक एक पग आचार है, व्यवहार है। केवट जी ने कहा कि हम पग दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, आप वस्त्र ऊपर करते करते सरकार पार हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो नहीं। तब केवट जी ने कहा, प्रभु प्रभु क्या हमारे राम बाबा जब ट्रेन में चलते हैं ना तो टिकट अब लेने लगे हैं ना, अब लेने लगे हैं, पहले नहीं लेते थे। तो हमने कहा बाबा कोई आपको रोकता नहीं है? तो सरकार अब तो पूछने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं पूछते थे लोग। अब तो साधु बाबा को देखकर टीटी साहब भी पहले साधु टिकट, पहले लोग आदर करते थे, पूछते नहीं थे। क्यों? अब न जाने हम लोगों के वेश में कौन कौन बैठा हो, कहो बिना टिकटे के लिए बैठे हो वेश बना के। इसलिए वो लोग भी समझने लगे, तब से महात्मा लोग भी बड़े आदर के साथ टिकट लेकर चकाचक बैठते हैं। हाँ, भगवान का काम है भैया। आदमी जहाँ रहता है वहीं सोचता है। केवट जी सोचे ये उदासीन वेश संन्यास वेश में है, जैसे हमारे घर में कुछ नहीं है, लगता है इन्हों के पास कुछ नहीं है। ये भगत भगवान की विनोद लीला है, देखिए ना। अरे भाई, ओह, हम अपनी ओर से थोड़ी कह रहे हैं, केवट जी कह रहे हैं। पद कमल धोई चढ़ाई राम राहु रे आन दशरथ सब सब सांची कहो। इतना सुनना लक्ष्मण जी बोले कमल धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार कर दूंगा, उतराई नहीं चाह रहा हूं, सौगंध लेता हूं आपकी। और विश्वास न हो तो सत्यव्रती महाराज पूज्य पिताजी की भी सौगंध लेता हूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।